हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्विंस बेबीज मम्मा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों को आप पोटी ट्रेनिंग कब से दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए पोटी सीट सही है या नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही कहूंगी कि बच्चों के लिए पोटी सीट मेरी समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को किसी भी चीज की आदत डालना जितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उस आदत को छुड़वाना। अगर हम बच्चे को जो है पोटी सीट की आदत डाल देते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चे से फिर वो आदत को छुड़वाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होगा कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, फिर उसको जो है जब भी उसको पोटी आएगी तो उसको पोटी सीट चाहिए। फिर चाहे हम कहीं भी हो, सफर पे हो, किसी के घर पे गए हो या कहीं भी हो, तो उसको मतलब वही चीज चाहिए जिस चीज से हमने उसको आदत डलवा रखी है। मैंने अपने बेबी को इसकी आदत बिल्कुल नहीं डाली। हाँ, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमें बच्चों को कब से बॉडी ट्रेनिंग देनी चाहिए, मतलब बच्चों की सही एज क्या है। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप बच्चे को पोटी करना तब सिखाएं जब आपका बच्चा प्रॉपर चलने लगे और थोड़ा बहुत इशारा भी करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और मतलब थोड़ा बहुत समझना स्टार्ट कर दे। जैसे आप उससे कोई भी बात करती हैं, पूछती हैं, अब आप उसको जो है सिखाना स्टार्ट कर दें, इससे बच्चा जो है इजिली सीख जाएगा। बहुत ज्यादा छोटे से बच्चों को सिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि छोटा बच्चा पहले तो खुद को ही नहीं संभाल पाता है, तो पहले उसको खुद को अपनी बॉडी को संभालना सीखने दें, उसके बाद में ये ट्रेनिंग दें। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरे जो ट्विंस बेबी बॉय हैं और दोनों 16 महीने के हो चुके हैं, जिसमें से मेरा जो बड़ा वाला बेबी है मैंने उसको पोटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी है। क्योंकि अभी जो मेरा छोटा वाला बेटा है वो प्रॉपर ना तो खड़ा हो पाता है ना ही प्रॉपर अभी चल पाता है, तो वो ये सब सीख रहा है। ठीक है, और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो अच्छे से चल भी लेता है और अब थोड़ा थोड़ा जो है बैठने भी लगा है घुटनों के बल। लगभग मुझे 1 महीना हो गया है उसको धीरे धीरे सिखाते सिखाते। ठीक है, तो अभी वो जो है अच्छे से सिर्फ खड़ा हो पाता है, अभी बहुत ज्यादा देर तक वो बैठ नहीं पाता है। तो मैं उसको जब भी पोटी करना सिखाती हूँ तो मैं उसको खड़े खड़े ही सिखाती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों की पहले आदत पड़नी चाहिए, क्योंकि बच्चों की पोटी को लेके आदत डालना इतना आसान काम नहीं है जितना हमको लगता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं किसी भी बात को, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही लेट समझते हैं। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो हर बात को बहुत जल्दी कैच करता है, लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा है वो थोड़ा सा देर से समझता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती है। हर बच्चे अलग होते, हर बच्चे की जो समझने की क्षमता होती है वो भी बिल्कुल डिफरेंस होती है। तो पोटी ट्रेनिंग देने से पहले सबसे पहले हमें अपने बच्चे को समझना होता है। हर बच्चा जब भी उसको सुसु आती है, पोटी आती है, तो वो एक ना एक साइन जरूर देता है, हम समझ नहीं पाते। तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है उसको जब भी पोटी आती है एक जगह बिल्कुल शांति से खड़ा हो जाएगा और मतलब एक अजीब सा ही मुंह बना लेगा, तो मैं जो है तुरंत समझ जाती हूँ। तो फिर मैं उससे बोलती हूँ बाबू पोटी आई, मैं तुरंत से उसको वहां पे ले जाती हूँ जहां मुझे करवानी होती है। ठीक है, फिर मैं वहां पे उसको जो है खड़ा कर देती हूँ। सबसे पहले एक बात बता दूं कि बच्चों को जब भी आप पोटी करना सिखाएंगे तो वो कभी भी प्रॉपर एक जगह खड़े होकर पोटी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं सोचना है कि बस हमने ट्रेनिंग चालू कर दी और बच्चा जो है एकदम से एक्सेप्ट कर लेगा और एकदम से जो है बैठ के भी करने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब मैं स्टार्टिंग में जब उसको पोटी करवाती थी मैं उसके पास ही बैठ जाती थी और उसको वहां पे खड़ा कर लेती थी, उसको थोड़ा पकड़े भी रहती थी और उससे बातें करती रहती थी। तो इससे क्या होता है कि बाबू को जो है एक जगह धीरे धीरे रुकने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि शुरुआत में बच्चा जो है अकेले बिल्कुल नहीं रुकता है। एक जगह सबसे पहले तो उनको रुकना ही सिखाना पड़ता है, तो बच्चा क्या करेगा, रहता तो उसी एरिया में लेकिन कभी इधर खड़ा हो गया, कभी उधर खड़ा हो गया, तो इस तरीके से करता है। ठीक है, तो जब वो करता था तो मैं उसको फिर बताती थी बाबू देखो आपने यहाँ पे गंदा कर दिया, ये देखो यहाँ पे पोटी कर दी। तो फिर मुझको इशारा करता था उंगली से, क्योंकि अभी बच्चे बोल तो पाते नहीं है। फिर मैं वहां पे पानी डाल देती थी, फिर मैं उससे बोलती थी बाबू अब साफ हो गए, अब आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो फिर वो फिर से वहां पे खड़ा रहता था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसको अकेले खड़ा होना कैसे सिखाया। देखिए, बच्चों को पानी बहुत पसंद होता है, तो मैं जब भी वहां पे उसको खड़ा करती थी एक डब्बे में जो है पानी भर के रख देती थी। तो बेबी क्या करता था कि डब्बे को पकड़ के वहां पे खड़ा रहता था, तो वो क्या करता है कि पानी में थोड़ा थोड़ा खेलता रहता है, पोटी भी एक जगह खड़े होके करता रहता है। ठीक है, और मैं जो है बच्चे को खिलौने भी पकड़ा देती थी उस टाइम, तो वो क्या करता है कि खिलौने को जो है पानी में डिप करता रहता है और वहीं पे खड़ा रहता है और बातें भी करता रहता है। तो इससे उसको अच्छे से हैबिट पड़ने लगी। मुझे सिखाते सिखाते लगभग
एक महीना हो गया है, जब भी उसको पोटी आती है तो वो खुद से ही चला आता है धीरे धीरे और वहीं पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, वहां पे चेयर वगैरह डाल देती हूँ तो वो चेयर वगैरह भी पकड़ के आराम से खड़ा हो जाता है, जो बच्चों वाली छोटी चेयर आती है। और अभी भी वो पोटी जो है खड़े होके ही कर पाता है, बैठता तो है घुटनों के बल लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाता है, तो मैं भी उस पर प्रेशर नहीं डालती हूँ। देखिये, बच्चों को जब भी सिखाए तो आराम से सिखाए, हो सकता है कि कुछ मतलब बच्चे 2 से 3 महीने भी ले लें, 3 से 4 महीने भी ले लें, और कुछ बच्चे तो जो 3-3 साल के हो जाते हैं फिर भी नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो हर बच्चा अलग होता है। तो उसके बाद में मैं जो है उसको वहां पे खड़ा कर देती हूँ और अब वो आराम से करने लगा है। तो अब बार बार जब आप बच्चे के सामने पोटी पोटी शब्द बोलेंगे तो इससे बच्चा समझ जाए कि बच्चे को समझना चाहिए कि पोटी हम बोलते किसको है। आप ये मत सोचे कि बच्चा छोटा, छोटे बच्चे सब समझते हैं, बस फर्क इतना होता है कि वो कुछ बोलना नहीं जानते। पोटी करना तो मैंने उसको सिखाया, सुसु उसने खुद करना सीख ली, कि पहले वो जो है कहीं भी सुसु कर देता था तो मैं उसको बोलती थी बाबू आपने देखो गंदा कर दिया, आपको सुसु यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, जहाँ पोटी करते हो वहां करनी चाहिए थी। तो जब डेली मैं उससे ऐसे बोलती हूँ, उसको दिखाती हूँ, देखो आपने ये गंदा किया ना, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को समझ में आता है मम्मा मुझसे कुछ कह रही है। तो उसके बाद में अब क्या होता है कि अब जब भी उसको सुसु आती है तो वो बेड से खुद अपने उतर जाता है, तो वो सीधे बाहर की ओर ही आता है और वहां पे खड़ा हो जाएगा जहां पे हम उसको बॉडी कराते हैं, तो पैंट में ही सुसु वहां पे कर लेता है और चला आता है। देखिए, शुरुआत में हो सकता है कि जब बच्चों को हम ट्रेनिंग दें तो बच्चे जो है पैंट में भी कर लेते हैं, तो आपको जो है बिल्कुल भी बच्चों को ना डांटना है ना ही चिल्लाना है। बच्चे जब भी कहीं भी पॉटी करें तो आप उनको समझाइए कि बाबू देखो आपने छींची कर दी ना, मैं मम्मा देखो अब साफ करेगी। ठीक है, तो आप उनको बार बार दिखाइए, बार बार समझाइए, इससे बाबू को समझ में आएगा कि हाँ मम्मा मुझसे कुछ कह रही है, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हो सकता है कि जब आप अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करें, आपका बेबी समझ भी सकता है नहीं भी समझ सकता है, तो आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी, आराम से उसको डेली समझाएं, प्रॉपर समझाएं। और सबसे पहले बेबी को ट्रेनिंग देने से पहले आप उसको खुद समझें। आप बच्चे को पोटी की ट्रेनिंग अपने अकॉर्डिंग नहीं दें बल्कि बच्चे के अकॉर्डिंग दें। आपको अपने बच्चे का सबसे पहले ये शेड्यूल जानना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा पोटी कब करता है, उसको पोटी कब आती है। मेरा बेबी तो सो के उठने के बाद लगभग 2 मिनट बाद पोटी कर लेता है, तो आपको भी समझना है अगर आपका बेबी सो के उठने के बाद सुबह पोटी करता है तो आप उसको जरूर वहां पे ले जाइए और आप उसे बार बार बोलिए, तो इससे क्या होगा बच्चे के माइंड में सेट हो जाएगा। बच्चे को जब भी आप पोटी सिखाएं अगर वो नहीं बैठ पाता है प्रॉपर देर तक, तो आप उसको जो है बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालें। आप स्टार्टिंग में बच्चों को खड़े होकर सिखाइए तो वो इजीली सीख लेते हैं, जब वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो वो प्रॉपर जब बैठने लगते हैं तो उसके बाद में वो बैठना भी सीख जाते हैं। ठीक है, और अगर आप बेबी को पोटी सीट पे बिठाने की कोशिश करेंगे छोटे से तो वो छोटे पे नहीं बैठ पाते, तो आप क्या करें साइड में खड़ा करके उनको सिखाएं। ठीक है, और उनको बार बार बताएं कि पोटी आपको यहाँ करनी है। कुछ जो चीज बच्चे को सिखानी है बार बार उसी के बारे में बोलें। बार बार बोलने से क्या होगा कि बच्चे के माइंड में एक प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। मैं आपको एक बात और यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगी कि बच्चे को हमेशा शुरू से वही रूटीन में डालें जो उसका रूटीन आगे भी रहने वाला है। इससे क्या होगा, ना तो आपको दिक्कत होगी ना ही बच्चे को दिक्कत होगी। ठीक, अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।